हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं WWE 2K20 और आज का ये मैच है रोमन रेन वर्सेस मार्क हेनरी के बीच में। तो आज के इस मैच को कौन जीतेगा देखते हैं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए इससे पहले कि मैच शुरू हो जाए। मेरा प्लेयर है रोमन रेन, बैल बजा दी रेफरी ने। चलो क्लोज लाइन मारता हूँ पहले मैं। ओके यहाँ पे क्लोज लाइन में नहीं गिरा, दूसरी भाई क्लोज लाइन में ये नहीं गिरा, तीसरी कहीं और मार दी मैंने। इस चीज़ का फायदा उठा के यहाँ पे हेनरी ने ले लिया अपनी पटकी और मेरे को यहाँ पे गिरा दिया है। और भाई दो क्लोज लाइन मारी रोमन ने इसे, बट यहाँ पे ये हिला तक नहीं। इसी से पता लगता है कि कितना तगड़ा और कितना पावरफुल, कितना भारी बरकम है मार्क हेनरी। तो यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे ना इसकी पटकी लेने की कोशिश करता हूँ मैं, बट यहाँ पे इसने कर दिया रिवर्सल और लगा दिया स्पाइक बस्टर। स्पाइक बस्टर मार के इसने यहाँ पे गिरा दिया, मैंने पकड़ी इसकी टांग, रिवर्सल कर दिया। चलो इसको यहाँ पे मैंने गिरा दिया। और भाई मैच की स्टार्टिंग से ही ना हेनरी और मेरे पास यहाँ पे तीन तीन फिनिशर है, तो मैं यहाँ पे ना फिनिशर लेने का भी ट्राई करूंगा। पहले से गिरा देता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं अपना पहला स्पीयर और यहाँ पे अपना ये फिनिशर लगा के मैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं एक दो फिनिशर लगा दूँ तो इस मार्क हेनरी या 20 मैच को शायद से हार सकता है। चलो एक मैं लगा दिया, एक और यहाँ पे मैं अपना फिनिशर लगा देता हूँ दोबारा से। क्या पता इस दो फिनिशर के बाद यहाँ पे मार्क हेनरी बिल्कुल ही लुप्त हो जाए और इस मैच को हार मान जाए। तो यार हमारे पास ना एक और फिनिशर बचा ही है, तो मैं उतर रहा हूँ एक और लगाई देते हैं। तो तीन स्पीयर यहाँ पे मैंने फाइनली बैक टू बैक इसके लगाने जा रहा हूँ। दो लग चुके हैं, एक और यहाँ पे मैं लगा दिया है और अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट करें फटाफट से कवर करता हूँ ताकि यहाँ पे हार मान जाए। चल भाई रेफरी, देखते हैं यहाँ पे हार मानता है नहीं। 1 2 ओ नो भाई, तीन स्पीयर लगने के बाद भी यहाँ मार्क हेनरी ने हार नहीं मानी। मतलब इतना पावर, इतना तगड़ा बंदा है ये। तीन स्पीयर भाई कम नहीं होते, अगर ये किसी और के पड़ गए होते ना तो अभी तक भाई वो उठता नहीं। अगर इससे कोई हल्का प्लेयर होता ना, कोई भी होता, रेमशीर और जॉन सीना कोई भी, अगर उसके तीन स्पीयर पड़ते तो वो भाई बिल्कुल भी नहीं उठता। यानी कि भाई सच में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। यहाँ पे इसने कर दिया भाई रिवर्सल और भाई इसका एक बार शरीर देखो, रोमन बिना इसके आगे काफ़ी दुबला पतला सा लग रहा है। ये यहाँ पे कर रहा है, मुझे यहाँ पे किक आउट करना होगा। चलो मैंने यहाँ पे किक आउट कर दिया फटाफट से, रेफरी को भी ज़्यादा मेहनत करने का टाइम नहीं मिला। एक मैंने यहाँ पे किक आउट कर दिया, मुझे ना अब यहाँ पे भाई रिवर्सल करना होगा क्योंकि ये अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पे चैन की सांस लेने नहीं दे रहा और यहाँ पे ये मारता चला जा रहा है। दोबारा पटकी लगा दी इसने, इसके भाई यहाँ पे ना तीन अभी फिनिशर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये फिनिशर लगाने के बारे में बिल्कुल सोचेगा, मुझे इसका ध्यान रखना है कि ये अपना फिनिशर यहाँ पे ना ले पाए। शायद से अभी ये ट्राई कर रहा है कि अपना फिनिशर ले। तो ओके मैंने यहाँ पे कर दिया भाई फाइनली रिवर्सल और ये पड़ा इसके स्पाई बस्टर, यहाँ पे ये गिर चुका है। तो मैं चढ़ता हूँ भाई रोप के ऊपर, चढ़ूँ क्या? पर भाई यहाँ पे ये लेटा हुआ है रोप के ऊपर, मेरे को चढ़ने भी नहीं दे रहा। चलो इसकी छाती पे लात मारते, मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कवर, देखते हार मानता है कि नहीं। 1-1 में ही यहाँ पे इसने किक आउट कर दिया है। मतलब हार मानने के मूड से ना भाई आज ये हेनरी बिल्कुल भी आया नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके तीन स्पीयर पड़ चुके हैं और काफ़ी सारे मैंने इसके मूव मारे। यहाँ पे इसने कर दिया भाई दोबारा से रिवर्सल, मैं इसका यहाँ पे मुंडी मोड़ रहा था बट इसने कर दिया यहाँ पे रिवर्सल। और भाई ये जो पटकी आती है ना यार, ये जो उठा के फेंकते हैं पीठ पे, काफ़ी तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। रोमन की बॉडी यहाँ पे रेड होने लगी है, हेनरी की तो मैंने पूरी बॉडी को रेड कर ही दिया पहले ही। ओके सुपरमैन पंच मारा, क्या मारा भाई इसने। ओके नॉकआउट पंच था और यहाँ पे ये कर रहा है मेरे कवर, मुझे फटाफट से किक आउट करना होगा। 2-3 फाइनली भाई, फाइनली बहुत ही ज़्यादा क्लोज था हेनरी इस मैच को जीतने के लिए, बट मैंने यहाँ पे किक आउट कर दिया और इस मैच को अभी तक के लिए बचा लिया है। नीचे चलता हूँ, ये नीचे आएगा और मैं यहाँ पे नीचे इसको मारता हूँ भाई। टक्कर मारा था भाई, फैयाज टक्कर वाली, यहाँ पे इसने टक्कर मार दी। गया भाई, मुझे लगा टक्कर से मैं बच गया, बस इसने जो फैयाज टक्कर वाली टक्कर मारी भाई, मुझे यहाँ पे इसने गिरा दिया था। चलो रेफरी भी अभी यहाँ काउंट कर रहा है क्योंकि हम रिंग के बाहर हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ इसकी भाई पटकी, मैं सोच रहा हूँ कि 10 तक गिनती की तक इसे मारता रहूँ और उसके बाद मैं अंदर चला जाऊँ ताकि रेफरी 10 तक गिनती गाए और वो अंदर ना पाए और मैं इस मैच को जीत जाऊं, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। चलो रेफरी को ही मैंने यहाँ पे गिरा दिया है रेफरी, ताकि भाई अब यहाँ पे काउंट कर ही नहीं पाएगा। और हेनरी भाई जल्दी से तू अंदर आ जाए क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर रहेगा ना भाई उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। रेफरी दोबारा खड़ा हो गया, चलो अब इसको खड़ा रहने देते हैं, ज़्यादा इसको परेशान भी नहीं करते क्योंकि भाई ये मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देगा। और यह भाई मार्क हेनरी पागल हो गया, मतलब इसका बीस्ट मोड ऑन हो चुका है इस गेम में और यहाँ पर अभी बिल्कुल पागल हो चुका है। मुझे यहाँ पर इसे संभालना होगा वरना अगर ये अपने मूव ऐसे मारता चला गया तो ये बिल्कुल पागल सा दिखा देगा। ये देखो इसकी जो पावर दिख रही है ना भाई, ब्लैक सी ये जो आ रही है, इसका मतलब है कि ये इस गेम में अभी बीस्ट मोड में है, यानी कि ये कुछ भी मार सकता है अगर इसको एक बार मौका मिला तो। तो मुझे अभी इसको काबू पाने के लिए यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए इसको नीचे गिरा दिया है। अब लेता हूँ यहाँ पे एक और अपना फिनिशर मेरा आ गया था, मैं लगाता हूँ यहाँ पे अपना स्पीयर और चलो यहाँ पे मैंने इसको अपना चौथा स्पीयर लगा दिया। देखते हैं यहाँ पे यार मानता है नहीं, फटाफट से मैं करता हूँ उसको कवर। रेफरी 1-2-3 ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे मार्क हेनरी को चौथे स्पीयर के बाद हरा दिया और इस मैच को जीत लिया रोमन रेन ने। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।